question again, what is the output of given example? इस केस में जस्ट मैंने प्रोवाइड क्या किया है, पॉइंटर इंक्रीमेंट ऑपरेशंस। क्लियर, जब भी आप एड्रेस में इंक्रीमेंट करो तो इंक्रीमेंट कितने से परफॉर्म होगा डिपेंड करेगा टाइप ऑफ पॉइंटर। अगर इंटीजर पॉइंटर देन इंक्रीमेंट कितने से परफॉर्म करा हुए टू से पर मुर्गी। अगर आप इस टाइप से कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करें सबसे पहले इस केस में कॉन्सेंट्रेट करें इस एक्सप्रेशन के अंदर टोटल ऑपरेटर्स कितने, देयर आर टू ऑपरेटर्स स्टार एंड प्लस प्लस। स्टार की बात करें स्टार के लिए ऑपरेंड्स कितने रिकॉर्ड होते हैं वन ऑपरेंड, इसलिए इसका टाइप क्या है यूनरी। प्लस प्लस की बात करें प्लस प्लस के लिए ऑपरेंड्स कितने रिकॉर्ड होंगे ओनली वन ऑपरेंड, इसका भी टाइप क्या है ऑल्सो यूनरी। दोनों ही ऑपरेटर कैसे हैं इस केस में यूनरी ऑपरेटर, और यूनरी के यूनरी ऑपरेटर्स के केसेस में अगर प्रायोरिटी की बात करें इनका प्रायोरिटी कैसा है एग्जैक्टली सेम प्रायोरिटी। देन सेम प्रायोरिटी के केस में इनको सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन एसोसिएटिविटी रूल। व्हाट इज द एसोसिएटिविटी रूल ऑफ यूनरी ऑपरेटर, सेम प्रायोरिटी यूनरी ऑपरेटर्स आर रिजॉल्व फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, इनको सॉल्व कैसे करो राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट जब आप चलोगे इस केस में सबसे पहले आपको क्या मिला इस केस में इंक्रीमेंट, तो पहले चांस किसको मिलेगा इंक्रीमेंट को, देन सेकेंड केस में चांस किसको मिलेगा स्टार। क्लियर, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करके गिवन एग्जाम्पल इजिली सॉल्व करना पॉसिबल है। सबसे पहले परफॉर्म क्या हो रहा है इस केस में, एरे डिक्लेरेशन ए। इस केस में स्मॉल डायग्राम क्रिएट करने के रिस्पेक्ट में जस्ट एरे का साइज प्रोवाइड किया ओनली थ्री। एरे के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने असाइन हो रहे हैं ओनली थ्री एलिमेंट्स, और फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 है, देन नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या हुआ 102 एंड 104, इनिशियल वैल्यू इज 10 20 एंड 30। क्लियर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एरे ए। नेक्स्ट वन सेकेंड एक्सप्रेशन में जस्ट क्रिएट क्या किया पॉइंटर वैल्यू पी। वन मोर थिंग्स, इन लोकेशन का एड्रेस अगर 100 है तो अदर नेम क्या हुआ स्टार 100 स्टार 102 स्टार 104 लाइक अ वेरिएबल नेम्स। सेकेंड केस में क्रिएट क्या किया पॉइंटर वेरिएबल पी, पी के रिस्पेक्ट में बात करें तो पी के अंदर या पी के लिए टोटल कितने बाइट्स एलोकेट होंगे ओनली टू बाइट्स। पी का साइज क्या इस केस में ओनली टू बाइट्स, सपोज दैट पी का एड्रेस है 98। देन पी के केस में आसान क्या रहा ए, और ए के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या करेंगे एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस विच इज 100, 100 इज असाइन टू द पॉइंटर वेरिएबल पी अगेन। तो पॉइंटर के केस में सबसे पहले असाइन किया रहा 100, तो इस केस में पॉइंटर वेरिएबल इनिशियली सबसे पहले किस लोकेशन को पॉइंट करेगा फर्स्ट प्लेस और स्टार 100 लोकेशंस। क्लियर, तो इस लोकेशन का अदर नेम क्या क्रिएट हो जाएगा स्टार पी। नेक्स्ट केस, इसके जस्ट बाद हम एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। इस केस में आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट केस है, जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ बिहेवियर ऑफ प्रिंट एफ फंक्शंस। प्रिंट एफ के केसेस में अगर आपने मल्टीपल आर्गुमेंट और मल्टीपल एक्सप्रेशन सप्लाई किए हैं, मैंने फंक्शन के केस में भी प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, कोई भी फंक्शन टू टाइप के डिक्लेरेशन फॉलो कर सकता है आइदर सी डिक्लेरेशन और पास्कल डिक्लेरेशन। तो इस केस में बाय डिफॉल्ट जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शन है सारे के सारे प्रीडिफाइंड फंक्शन रूल्स किसके फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू सी डिक्लेरेशन, और सी डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट आर्गुमेंट सॉल्व करोगे लास्ट आर्गुमेंट देन इट्स प्रीवियस देन इट्स प्रीवियस। तो इसके साथ सबसे पहले सॉल्व क्या करेंगे लास्ट एक्सप्रेशन स्टार पी प्लस प्लस। देखा जाए तो सारे एक्सप्रेशन सेम है लेकिन सॉल्व कैसे करो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इस एक्सप्रेशन का जस्ट रिजल्ट क्या हुआ सॉल्व करेंगे फर्स्ट वन, सबसे पहले मीन्स इन दोनों के प्रायोरिटी सेम है तो सबसे पहले सॉल्व कौन होगा प्लस प्लस। प्लस प्लस का टाइप क्या प्री और पोस्ट, पोस्ट पोस्ट है तो पहले इंक्रीमेंट या पहले रिप्लेसमेंट। वन मोर थिंग, ये प्लस प्लस अप्लाई किसके लिए हो रहा है स्टार पी के लिए ओनली पी के लिए देन इस केस में सबसे पहले पी प्लस प्लस के प्लेस पर पहले पी का वैल्यू रिप्लेस करोगे देन पी में इंक्रीमेंट, और पी का करंटली वैल्यू क्या हो रहा है इस केस में 100। देन सबसे पहले परफॉर्म क्या हुआ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के जस्ट बाद परफॉर्म क्या हुआ इंक्रीमेंट इन पी। जब पी में इंक्रीमेंट कराएं तो उसका मीनिंग क्या है पी इक्वल्स टू पी प्लस वन, और पी का वैल्यू क्या है 100। 100 में जब 1 से एडिशन करा वो 100 क्या है एड्रेस, इंक्रीमेंट कितने से होगा 2 से, प्लस इसका रिजल्ट अगेन आसान किस में हो रहा है पी में। तो पी के अंदर नेक्स्ट टाइम क्या आसान हो जाएगा 102, जैसे ही पी में 102 आसान होगा पी इमीडिएटली किस लोकेशन को पॉइंट करेगा 100 और 102। तो नेक्स्ट टाइम स्टार पी किस लोकेशन का नेम होगा स्टार 102 और सेकेंड एलिमेंट ऑफ द एरे। नेक्स्ट वन, तो फाइनली से एक्सप्रेशन के प्लेस पर रिप्लेस किया जाएगा स्टार 100, और स्टार जब 100 के लिए अप्लाई करो तो इस केस में रिटर्न क्या होगा वैल्यू ऑफ लोकेशन 100 लोकेशन में वैल्यू क्या फंड हो रहा है 10। तो फाइनली इस एक्सप्रेशन के प्लेस पर फाइनल रिजल्ट क्या पुट हो रहा है जस्ट 10। क्लियर, सेम वे में सॉल्व करेंगे इट्स प्रीवियस एक्सप्रेशन।
नेक्स्ट वन अगेन एक्सप्रेशन क्या सेम, तो सेम मैनर और सेम रूल्स को फॉलो करें जब सेकेंड एक्सप्रेशन सॉल्व करो अगेन राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले चांस किसको मिलेगा, प्लस प्लस को। प्लस प्लस के केस में पहले इंक्रीमेंट और पहले रिप्लेसमेंट, पहले रिप्लेसमेंट। करंटली पी का वैल्यू क्या 102, तो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या कराएंगे आज 102। रिप्लेसमेंट के जस्ट बाद इमीडिएटली परफॉर्म क्या हुआ अगेन इंक्रीमेंट इन पी, लेकिन करंटली पी का वैल्यू क्या है ऑलरेडी 102 में जब 1 से एडिशन करा था नेक्स्ट वैल्यू क्या हो रहा है 104। आसान किस्म होगा पॉइंटर वेरिएबल पी, ना पी इज पॉइंटिंग 104 लोकेशंस। तो नेक्स्ट टाइम पी के थ्रू कौन सा लोकेशन पॉइंट होगा, थर्ड एलिमेंट ऑफ द एरे, इस प्लेस का नेम क्या हो जाएगा स्टार पी। नेक्स्ट वन अगेन फिर से सॉल्व किया, इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ जस्ट प्रीवियस केस में स्टार 102 का वैल्यू है एस 20, तो इस प्लेस पर रिजल्ट क्या आएगा एस 20। नेक्स्ट टाइम अगेन रिजॉल्व क्या करेंगे, थर्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगेन क्या है स्टार पी प्लस प्लस, पहले पी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग पी का वैल्यू रिप्लेस कराओ, पी का वैल्यू क्या है 104। 104 रिप्लेस होने के जस्ट बाद परफॉर्म क्या हुआ इंक्रीमेंट इन पी, तो पी में इंक्रीमेंट होने के बाद पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 106। मिस पी किसी अननोन और अनरिजर्व्ड प्लेस को पॉइंट करना स्टार्ट करे, मिस इस केस में 106 रिजर्व्ड है अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व डजंट मैटर, लेकिन इस केस में स्टार किसके लिए अप्लाई हुआ है जस्ट ऑलरेडी इस प्लेस पर रिप्लेस क्या करा हुए वैल्यू ऑफ पी, सॉरी पी का इनिशियल एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या था 106, तो नेक्स्ट टाइम इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ पी का वैल्यू 106, देन सॉरी रिप्लेस क्या हुआ था जस्ट 104। देन इंक्रीमेंट होने के बाद पी का वैल्यू क्या चुका है 106, जबकि ओल्ड वैल्यू क्या था इसका 104, देन स्टार 104 के लिए अप्लाई करो, स्टार 104 में वैल्यू क्या 30, इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ रिजल्ट है 30। तो फाइनल इसके इसमें डिस्प्ले क्या हुआ 30, फर्स्ट परसेंट डी के प्लेस पर क्या आएगा 30 20 10। फाइनल इसके इसमें आउटपुट क्या प्रिंट होगा, आउटपुट इज 30 स्पेस 20 स्पेस 10।